ईयर एंडिंग एंड न्यू ईयर के वक्त कार खरीदने वालों के लिए एक गोल्डन मोमेंट होता है, क्योंकि इस वक्त पर लगभग हर कंपनी के कार्स में आपको मोटे अमाउंट का डिस्काउंट देखने को मिलता है। 2020 के स्टॉक्स को क्लियर करने के लिए डीलरशिप वाले 1 से 2 लाख तक का मोटा डिस्काउंट दे देता है। मैंने इससे पहले मारुति सुजुकी और हुंडई के कौन कौन सी गाड़ियों के ऊपर आपको कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसके ऊपर वीडियोज बनाए हुए हैं। अगर आप वो वीडियोज देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो है स्पेशली होंडा के कार्स में डिस्काउंट को लेकर। अगर आप होंडा की कोई कार लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियों के ऊपर आपको कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। शुरू करते हैं होंडा के एंट्री लेवल प्रोडक्ट एमएस से। एमएस में आपको कुल मिलाकर 31,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जहां पर 15,000 का कैश डिस्काउंट है, 10,000 का एक्सचेंज बोनस है और 6,000 का लॉयल्टी बोनस है। दूसरे नंबर पर जैज में भी आपको कुल मिलाकर 40,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जहां पर 15,000 का कैश डिस्काउंट है, 25,000 का एक्सचेंज बोनस है और 6,000 का लॉयल्टी बोनस है। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी WRV में आपको 46,000 रुपीस का टोटल डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जहां पर 15,000 का कैश डिस्काउंट है, 25,000 का एक्सचेंज बोनस है और 6,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। नेक्स्ट द ऑल न्यू होंडा सिटी में भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि है 36,000 का, लेकिन यहां पर आपको कोई कैश डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। 30,000 रुपीस आपको एक्सचेंज बोनस और 6,000 रुपीस आपको लॉयल्टी बोनस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप सिविक लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 1,00,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। होंडा की कार्स में, जैज में, WRV में और सिविक में आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकते हैं, क्योंकि जैज और WRV का सेल्स नंबर उतना खास नहीं है। इस वजह से अगर आप ऐसे डीलरशिप में जाते हैं जिसके पास जैज और WRV का स्टॉक पड़ा हुआ हो, तो वो ज्यादा डिस्काउंट में भी उन गाड़ियों को क्लियर करना चाहेगा और उस स्थिति में आपको जैज और WRV में ज्यादा डिस्काउंट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और सिविक में आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलने का कारण यह है कि इस तरह के जो सेडान गाड़ी है उसका सेल्स नंबर कम होता जा रहा है। तो अगर आप ऐसे डीलरशिप में जाते हैं जिसके पास सिविक का स्टॉक पड़ा हुआ हो, तो वो ज्यादा डिस्काउंट देकर भी उस स्टॉक्स को क्लियर करने के बारे में सोचेगा और इसी स्थिति में आपको सिविक में भी ज्यादा डिस्काउंट देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, यही था होंडा कार्स के डिस्काउंट लिस्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि टाटा की कौन कौन सी गाड़ियों के ऊपर कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही देर बाद हम अपलोड करेंगे ऐसा वीडियो जिसके अंदर आपको जानने को मिलेगा कि टाटा के कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।